हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर सेकेंड वीडियो ऑफ लेसन वन, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. सो चिल्ड्रन, इन फर्स्ट वीडियो एज वी हैव स्टडीड अबाउट कंप्यूटर, दैट इज़ अमेजिंग मशीन एंड इट्स डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स एंड इट इज़ ऑल्सो यूजिंग इन ईच एंड एवरी फील्ड such as office, hospital, banking, each and everywhere, okay? And also we have studied about functions of computer. It is input, processing, output and storage, okay? So today I will show you an example of computer, how it's worked, okay? So suppose you get marks of different subjects and want to calculate the total on computer. So how the processing takes place in a computer? Processing कैसे होता है? जो processing का part है, input हो गया, तो input में मैंने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, हम लोग data और instructions डालते हैं. जैसे ये marks हो गए आपके, आपको अपना कम जो मार्क्स मिले हैं उसको कैलकुलेट करना है, उसको टोटल करना है. तो यहाँ पर आपके ये मार्क्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स अलग अलग सब्जेक्ट के. सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. द फर्स्ट स्टेप इज़ टू इनपुट डेटा, ओके. सेकंड स्टेप दैट इज़ प्रोसेसिंग. ये जो हम लोगों ने डेटा इंटर किया था, इसका अब ये प्रोसेसिंग करेगा कंप्यूटर, उसके बाद हमें रिजल्ट मिलेगा. वर्किंग ऑन द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंस्ट्रक्शन, हम लोगों ने प्लस करने के लिए दिया है, तो अब वो कंप्यूटर इसको प्रोसेस करेगा. एंड अब आफ्टर टू प्रोसेस द रिज़ल्ट विल बी 502. दैट मीन्स इट इज़ एडिशन ऑफ दिस ऑल मार्क्स, इट इज़ अ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन और रिज़ल्ट. हम लोगों को जो चाहिए था, जो हमारी नीड थी, वो क्या थी, हमें अपने मार्क्स का टोटल करना था. तो वो हम लोगों ने सबसे पहले डेटा इंटर किया, उसके बाद वो प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर, प्रोसेसिंग के बाद फिर उसका मीनिंगफुल रिज़ल्ट देता है, ओके. एंड चिल्ड्रेन, ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स आर टीचर ऑल्सो कैलकुलेट परसेंटेज कैलकुलेट करती हैं, और उसके बाद वो फाइंड कर पाते हैं कि आपके क्लास में कौन से बच्चे का कौन सा पोजीशन है, isn't it? So we also perform various tasks by following the IPO. IPO stands for input, process, output. Input, process, output. ठीक है, तो ये IPO task से सबसे पहले input करेंगे, फिर processing होगा और output होगा, तो हमारा जो computer इस तरह से work करेगा. Likewise, here we can understand from some day-to-day life examples. Day-to-day life examples, जैसे normally हमारे घर में जो tea बनती है, चाय बनती है, उसके लिए आपकी mother क्या करती हैं? तो mother सबसे पहले आपकी prepare करती हैं, ये सारी चीज़ें लेती हैं, collect करती हैं, वाटर, टी लीव्स, मिल्क, शुगर, एक जगह ये सारे सामान चाहिए हमें. देन आफ्टर व्हाट शी इज़ डूइंग, बॉइलिंग वाटर, टी लीव्स, मिल्क एंड शुगर, ये प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है. जो हमारा कंप्यूटर जिस तरह से करता है, सबसे पहले इनपुट के लिए हम लोगों ने सारी चीज़ें इकट्ठा की, ये प्रोसेसिंग हुआ, ये इसमें बॉयल हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है. देन आफ्टर प्रिपेयर टी इज़ हियर, इट इज़ आवर रिजल्ट, चाय बन गया है, इट्स रेडी. Okay children, let us take other example. When you want to talk to your friend on telephone, what step do you take? क्या करते हो तुम? अगर तुम्हें अपने friend से बात करना है तो तुम क्या करोगे? Finding and dialing the number. Find करोगे सबसे पहले, तुम्हारे कौन से friend से तुम्हें बात करना है, उसका कौन सा number है, वो फाइंड करोगे, फिर क्या करोगे, डायल करोगे. देन आफ्टर कनेक्टिंग द नंबर, ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये
जो टावर होते हैं, नेटवर्क है, वो सपोर्ट करता है ये नंबर से कनेक्ट करने में। तो यहाँ पे ये प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है ना, इस पार्ट में प्रोसेसिंग हो रहा है। और उसके बाद जब ये कनेक्ट करता है तो तुम्हारे फ्रेंड से यहाँ कनेक्शन हो चुका है, और अब तुम क्या कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, टॉकिंग टू योर फ्रेंड। इट इज़ आउटपुट, ये इनपुट हुआ, फाइंडिंग डायलिंग नंबर, कनेक्टिंग नंबर, प्रोसेसिंग एंड टॉकिंग टू योर फ्रेंड, इट इज़ आउटपुट। नाउ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, सो देयर इज़ फोर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट हेल्प टू परफॉर्मिंग द आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं जब कंप्यूटर में मेन फोर पार्ट्स जो हैं वो होंगी, तभी ये पॉसिबल है। अगर इसमें से कोई भी एक पार्ट नहीं होगा तो हमारा आईपीओ साइकिल पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और हमें ना तो हम कंप्यूटर में कोई डेटा इनपुट कर पाएंगे प्रॉपरली, ना ही हम उसको उसका आउटपुट देख पाएंगे। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इट इज़ ई कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इट हैज़ अ नंबर ऑफ कीज़ ऑन इट। व्हेन वी इंटर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर यूजिंग कीबोर्ड, तो हम जो भी इंस्ट्रक्शन डालना है, जो भी डेटा डालना है, वो किससे डालते हैं, कीबोर्ड से। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद कीबोर्ड ना, इन आर प्रैक्टिकल लैब क्लासेस वी आर डूइंग दिस, वी आर यूजिंग इट। ओके, सेकेंड इज मॉनिटर। मॉनिटर लुक्स लाइक टीवी स्क्रीन, ये मॉनिटर है, ये टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है। इट डिस्प्लेज ऑल द वर्क दैट वी डू ऑन अ कंप्यूटर। इट ऑल्सो डिस्प्लेज द रिजल्ट एंड मूवमेंट ऑफ द माउस पॉइंटर। मूवमेंट होता है माउस पॉइंटर का, वो सारी चीज़ें इस पर दिखाई देती हैं ऑन स्क्रीन। सो मॉनिटर इज़ लुक्स लाइक टीवी स्क्रीन। मॉनिटर ये जो है वो टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है, और जो भी माउस पॉइंटर का मूवमेंट होता है वो इस पे हमें दिखाई देता है। और इसके अलावा जो भी हम कीबोर्ड के थ्रू अल्फ़ाबेट या नंबर एंटर करते हैं वो भी माउस मॉनिटर पर शो होता है। ओके, मॉनिटर इज़ ऑल्सो नोन एज वीडीयू। वीडीयू दैट स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल, जिससे हम देख पाते हैं, इसलिए हम लोग इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। द इंफॉर्मेशन दैट वी सी ऑन मॉनिटर इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप अपने इंफॉर्मेशन को सेव नहीं करोगे तो फिर वहाँ से वो डिसअपियर हो जाता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप सेव करते हो इंफॉर्मेशन को तो वो उसमें स्टोर होता है, और जो इन्फॉर्मेशन सॉफ्ट कॉपी में है आपके अभी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, अगर उसका हम प्रिंट आउट ले लेते हैं तो व्हाट इज सस्टेंस, इज सस्टेंस फॉर हार्ड कॉपी। फिर वो एक पेपर पर आ जाता है आपके पास इन्फॉर्मेशन, इसलिए उसको कहते हैं हार्ड कॉपी। चिल्ड्रेन, हियर इज़ थ्री टाइप ऑफ मॉनिटर्स यू कैन सी इन दिस पिक्चर। दिस फर्स्ट टाइप इज़ CRT, कैथोड रेज ट्यूब मॉनिटर। इट इज़ वेरी बिगर इन साइज एंड कंज्यूम मोर पावर। ये बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा पावर लेता है, बिजली बहुत ज़्यादा लेता है। तो अब नाउ इन दीज डेज दीज टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स इज़ मोस्टली यूजिंग LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। इट इज़ अ फ्लैट टाइप ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन दैट कंज्यूम्स लेस पावर। इट इज़ इन मैक्सिमम यूज टुडे एंड दिस LED, इट इज़ ऑल्सो यूज मोस्टली। सो दिस मोनिटर्स हैव बेटर डिस्प्ले। इसका डिस्प्ले जो है, जो इसमें यहाँ पर स्क्रीन पर शो होता है, ये बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है। एंड दे आर थिनर एंड लाइटर इन वेट। थिन, पतले हैं, लाइट, हल्के भी हैं। ओके, उनका वेट बहुत कम है। एंड चिल्ड्रन, दे यूज़ 40% लेस पावर देन LCDs एंड लास्ट लॉन्गर। इससे भी कम पावर लेता है
ये LCD से भी कम पावर लेता है LED. ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे ओनली. रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास.